गाजीपुर से आनंद कुमार पत्रकार की खास रिपोर्ट। योगी सरकार में उत्तर प्रदेश का हुआ चतुर्विध विकास, अपराधी गुंडे माफिया हुए नदारद। दोबारा सरकार बनने पर बच्चियों को स्कूटी, युवाओं को स्मार्टफोन व टैबलेट, महिलाओं को मुफ्त गैस व किसानों को मिलेगी मुफ्त बिजली, अमित शाह। रामराज बनवासी के लिए अमित शाह ने मांगा वोट। परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती सिद्धपीठ हथियाराम मठ की बुढ़िया माई सिद्धपीठ गुरुकुला मठ की धार्मिक एवं ऐतिहासिक धरती है, जहां युवा सेना के जवान देश के कोने कोने में राष्ट्र रक्षा को कृत संकल्पित हैं। ऐसे वीर जवानों की भूमि व माताओं को प्रणाम करता हूँ। उपरोक्त उद्गार से उपस्थित लोगों का सम्मान करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने जखनिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रामराज बनवासी के लिए जनसभा का शुभारंभ किया। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को जखनिया विधानसभा की चुनावी रैली में सपा बसपा कांग्रेस पर हमलावर रहे। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि काला चश्मा पहनने वालों को विकास नहीं बल्कि सब काला ही दिखाई पड़ता है। कहा कि उत्तर प्रदेश में 300 के पार सीटें जीत भाजपा फिर से सरकार बनाएगी और किसानों, युवाओं, बेरोजगारों, गरीबों से किए आने वादे पूरा करेगी। श्री शाह ने कहा कि 2017 में मैं जखनिया आया था, मैंने आपसे जो जो वादा किया था, आज कुल 5 वर्ष बाद उसका हिसाब देने आया हूँ। यूपी में हमने 1,67,00,000 गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया था। अब की दोबारा सरकार बनने के बाद होली व दीपावली पर मुफ्त गैस भी उपलब्ध कराया जाएगा। यूपी में बिजली 2 से 4 घंटे भी नहीं रहती थी, जबकि आज हर गांव में 18 से 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। अकेले उत्तर प्रदेश में 1,42,00,000 घरों में बिजली पहुंचाई गई, जो पिछले 70 वर्षों से बिजली की रोशनी से वंचित थे। 2,52,00,000 किसान सम्मान निधि मिलनी शुरू हो गई। आगामी 5 वर्षों तक बिजली भी मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। उच्च शिक्षा के लिए बच्चियों को स्कूटी मिलेगी, वहीं युवाओं को टैबलेट वाइट स्मार्टफोन दिया जाएगा। गरीब कल्याण के साथ ही कानून व्यवस्था दुरुस्त किया गया। 2024 से पहले सभी गरीबों को पक्का मकान दिया जाएगा और सिंचाई के लिए किसानों को 5 साल तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। हमारी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं होता है। श्री शाह ने कहा कि मैंने 2017 में इसी मंच से कहा था कि माफिया समाप्त करना है। आज आप देख लीजिए, मुख्तार अतीक आजम के साथ ही सभी माफिया अपनी औकात में आ गए हैं। यूपी दुनिया में सबसे अधिक दूध उत्पादन, आंवला उत्पादन, गन्ना, चीनी, हरी मटर, अदरक इत्यादि में सबसे आगे है। वही अखिलेश राज में यह प्रदेश हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार में सबसे आगे नजर आता था। वर्तमान सरकार में लूट में 62%, बहत्या में 30%, अपहरण में 29% और बलात्कार में 50% की कमी आई है। रही विकास की बात तो पूर्वांचल में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जखनिया, गाजीपुर, सादात, रेलवे स्टेशन, सुंदरीकरण, वाराणसी, भटनी, दोहरीकरण, नए पावर हाउस जनपद में कुल 27 रोड, 165 किलोमीटर, 107 करोड़ की लागत से बने हैं। वहीं वर्तमान में 875 करोड़ की लागत से सैदपुर, सादात, जखनिया, मर्दल राष्ट्रीय राजमार्ग 124B का काम शुरू हो चुका है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे देश में 130 करोड़ मुफ्त टीकाकरण किया गया। अकेले गाजीपुर जनपद में 6 ऑक्सीजन प्लांट बन चुके हैं। बहरियाबाद सैदपुर 4 लेन सड़क प्रस्तावित है। जमानिया धर्मपुर गंगा पुल निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश के माथे पर कलंक धारा 370 हटाने का निर्णय लिया गया तो सदन में मुझसे अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर धारा 370 हटाया गया तो खून की नदी बन जाएगी, जबकि आज खून की नदी छोड़ी एक पत्थर भी उठाने की औकात में नहीं रह गए हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों को खूब घेरा और परिवार सहित भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। उन्होंने पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की जनता से अपील की और सूबे में भाजपा की डबल इंजन सरकार दोबारा लाने की भी अपील के साथ संबोधन खत्म किया। उन्होंने उपस्थित लोगों से रामराज वनवासी को जिताने की अपील करते हुए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार लाने का आह्वान किया। इस दौरान अनिल कुमार पांडे, प्रभुनाथ चौहान, हंसराज राजभर, सर्वानंद सिंह, अखिलानंद सिंह, अतल सिंह, आशीष सिंह, मंटू, दिनेश यादव, मनोज यादव, अशोक कुमार पांडे, सत्येंद्र सिंह मसाला, योगेंद्र सिंह, अजय सिंह, मोनू पांडे, राजेश सोनकर, दयाशंकर सिंह, अवधेश गिरी, विपिन कुमार सिंह, दुर्गेश सिंह, प्रशांत सिंह, पीयूष सिंह, लालजी गोंड इत्यादि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन दिनेश कुमार पांडे व अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने किया। सर, अलीपुर मथुरा में आज कार्यक्रम था, कैसा रहा सर? पहले आपको सभी लोगों को धन्यवाद। अलीपुर मथुरा में यह जो कार्यक्रम था बहुत अच्छा था, क्योंकि विधानसभा जखनिया
सभी जाति और धर्म के लोग यहाँ उपस्थित थे और सबका सहयोग सबका प्यार अच्छा मिला। क्षेत्र में कैसा रिस्पांस मिला क्षेत्र में जब घूम रहे थे? देखिए क्षेत्र में आज कई लोग कई दिनों से घूम रहा हूँ। वैसे तो मैं चुनाव से पहले भी इस क्षेत्र में आता जाता था और इस क्षेत्र में हमने ज़्यादा से ज़्यादा कार्य किया है दलितों के बीच में। इधर जो है मैं जब से चिखलिया विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार घोषित हो गया हूँ और चुनाव लड़ रहा हूँ, लोगों का प्यार और लोगों का आशीर्वाद और लोगों का सहयोग भरपूर रूप से मिल रहा है। मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है कि निश्चित रूप से इस बार जो है जखनिया में कमल खिले। जखनिया में किसको आप चुनौती मांग रहे हैं, किस पार्टी को? जखनिया में कोई भी पार्टी नहीं चुनौती, क्योंकि जखनिया में चाहे पिछड़ी जात के लोग हों, चाहे अनुसूचित जात के लोग हों, चाहे अनुसूचित जनजात के लोग हों, चाहे जनरल के लोग, सब लोगों का भारी से भारी समर्थन मुझे मिल रहा है और सहयोग मिल रहा है और प्यार मिल रहा है। इससे मैं महसूस करता हूँ और यहाँ की जनता महसूस करती है कि मेरे साथ कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। मैं निश्चित रूप से अधिक से अधिक मतों से यहाँ से विजयी। राम राज जी, क्या बताएंगे कि आप बनवासी से आते हैं और समाज में आप प्रचार कर रहे हैं, क्या सभी जो सवर्ण धर्म के लोग हैं क्या आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं या गलत व्यवहार कर रहे हैं? देखिए निश्चित रूप से जो लोग हैं मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि मैं उस तबके का व्यक्ति हूँ जो समाज के सबसे निचले पावदार का व्यक्ति और जहाँ के लोग मजदूर होते हैं, जहाँ के लोग खेतिहर मजदूर होते हैं, जहाँ के लोग बहुत तेरे जैसे अभी तो बधुआ मजदूरी खत्म हो गया है, बधुआ मजदूर होते उस तबके के लोग जहाँ की गरीबी के कारण न उनकी शिक्षा दीक्षा होती है, न पढ़ाई लिखाई हो पाती है, जहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय लकड़ी तोड़ना, पत्ता बनाना, दातून बेचना ये मुख्य व्यवसाय होती है, जहाँ कभी सम्मान नहीं मिला था, लेकिन आज जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक मुसहर जात को और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है माननीय नरेंद्र मोदी जी इतना मुझे प्यार मोहब्बत मिला है और यहाँ की जो जनता है चाहे पंडित हों, ठाकुर हों या मुसलमान हों या सिविल कास्ट के लोग हैं, सब लोग जो है मुझे अच्छा मैंने एक सामाजिक रूप में देखते हैं, एक जनसेवक के रूप में मुझे देखते हैं देखते और ज़्यादा से ज़्यादा यादव भी हैं, अन्य सारी जातियाँ राजभर हैं, चौहान हैं, सभी पिछड़ी जातियाँ जो है मुझे अच्छा सुनी और प्यार दे रही हैं। इससे महसूस होता है बनवासी जी जखनिया में मुद्दे क्या हैं? जखनिया में देखिए यहाँ जो गाजीपुर के सातों विधानसभा है उस सातों विधानसभा में जखनिया जो विधानसभा है वो आज तक सौतेला व्यवहार जखनिया विधानसभा के साथ किया गया, क्योंकि जब से जखनिया विधानसभा का वो सुरक्षित सीट हुई है तब से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक यहाँ से नहीं। धन्यवाद। गांव तक स्कूल की पढ़ाई आई है, अगर आगे पढ़ना है तो बच्ची कैसे जाएगी? हमने तय किया है जो भी बच्चियां उच्च शिक्षा लेनी चाहती है उसको मुफ्त में स्कूटी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमने तय किया है कि जो भी युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा उसको टैबलेट और स्मार्टफोन फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में दे दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम करे, इसके साथ साथ कानून और व्यवस्था में हमने सुधार किया है। मैं मार्च 2017 में आया था, तब कहता था कि हम उत्तर प्रदेश से चुन चुन कर माफियाओं को समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों मुझे बताओ ये मुख्तार अंसारी कहाँ है? अरे जोर से बोलो कहाँ है? अतीक अहमद कहाँ है? ये आजम खान कहाँ है?
माफियाओं को चुन चुन कर जेल में पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार। उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर। मित्रों, 2000 करोड़ की भूमि, गरीबों की भूमि और सरकारी भूमि ये माफिया जो कब्जाए थे उसको खाली कराकर वहां पर गरीबों के मकान बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाइयों बहनों माताओं, आज उत्तर प्रदेश दुनिया में सबसे ज्यादा, पूरे देश में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन है बताओ भाई? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा